हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने मराठी लीगल ट्रांसलेशन पेश कर रही हूँ क्योंकि तो गुजराती में तो हमने बहुत वीडियो बना दी पर मराठी में लीगल ट्रांसलेशन एक पहला पार्ट है आगे भी आपका साथ होगा तो हम आगे भी इससे रिलेटेड वीडियो बनाएंगे ये जो ट्रांसलेशन है वो स्पेशली लीगल स्टूडेंट्स के लिए है पर बैंक और एम में भी आप उसका कंटेंट और शब्द और जिस हिसाब से वो जुड़े हुए हैं वो आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं आर आर बी आर बी आई का भी नोटिफिकेशंस uh, आ गए हैं उसकी भी एग्जाम्स है उसका एल के लिए भी हम तैयार है और स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं तो मराठी भी जिसको भी सीखना है एनीबडी वॉन्ट्स वो हमें फ़ोन या मैसेज कॉन्टेक्ट कर सकते हैं शुरू करते हैं प्रस्तुत प्रकरणात आरोपी विरुद्ध भारतीय दंड विधान कलम 419 अन्वय अपराध केले बाबत खटला चाल आला यह चैप्टर में अदरवाइज यह प्रकरण में आरोपी के अपोज में IPC भारतीय दंड विधान आईपीसी की कलम सेक्शन 419 वन नाइन अन्वय मतलब अकॉर्डिंग अपराध ऑफेंस केले बाबत किया से रिलेटेड खटला मतलब केस चलाने में आया अभियोग पक्षा की थोड़ा क्या हकीकत खालील प्रमाणे आहे अभियोग पक्षा की थोड़े में हकीकत फैक्ट्स नीचे के हिसाब से है, है तकरारदार बाला साहेब शिवराज जूनियर कॉलेज चाकूर ए थे इंग्रेजी या विषय ची परीक्षा तकरारदार जिसने तकरार फाइल की है एप्लीकेंट बाला साहेब शिवराज जूनियर कॉलेज चाकुर चाकुर जगह का नाम है वो कॉलेज का नाम है ए थे, ए थे मतलब यहां पे इंग्रेजी या विषय की परीक्षा चालू अस्ताना यह सब्जेक्ट की एग्जाम्स चालू होने से हॉल क्रमांक ट्वेंटी एट ऑब्लिक ए वरिल पर्यवेक्षक बीत रोकड़े याना तपासणी दरम्यान बड़े जो सर है उनका नाम है बीते रोकड़े इन्होंने इन्वेस्टिगेशन के दरम्यान चेकिंग के दरम्यान परीक्षार्थी याची क्रटीओ 6114142 यह परीक्षा कड़े प्रवेश पत्राची मागणी केली इन्होंने परीक्षा कड़े परीक्षा के पास मतलब बंदे के पास प्रवेश पत्र की मांगनी के लिए उन्होंने डिमांड की हॉल टिकट की प्रवेश पत्र मतलब हॉल टिकट मांगनी के लिए मांगनी की उन्होंने डिमांड की अस्ता होने से त्याग ने नसल्याचे उन्होंने कहा मेरे पास नहीं है उन्होंने डिनाई किया त्याने ने न सल याचे कल भी ले उन्होंने नहीं है वैसा इस अकॉर्डिंग तक्रारदार जो एप्लीकेंट है यह केंद्र संचालक जो केंद्र चला रहे हैं जो मैनेज कर रहे हैं जो मैनेजमेंट है इन्होंने केंद्र संचालक माहुण त्याचिया उनके निर्देशनास निर्देशनास आनुंदिले इन्होंने जो उनके जो टाइम ता, ता, टेबल था उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस था वो लाकर दिए जो संचालक जो मैनेजमेंट केंद्र के थे त्या सदर परीक्षार्थी यासी चौकसी के लिए ने त्याचे नाव सैयद खालिल कादर उन्होंने यह परीक्षार्थी जो परीक्षा देने वाला है इन्होंने उसकी चौकसी की उसकी चेकिंग की उसके चेकिंग की होने से उनके उन्होंने उनका नाम सैयद खलील कादरी इन्होंने उनका नाम सैयद खालिल कादरी असली होने से कलमून समझाया संजीवनी महाविद्यालय चापोली मार्फत वो एक स्कूल uh, के चापोली के थ्रू बारवीं इंग्रजी विषय ची पुनः परीक्षा उनकी जो री एग्जामिनेशन है यह आरोपी के ही आरोपी चाह जागेवर आरोपी चाह जागेवर जग्या पर देत असली देते होने से निष्पन उनको ऐसा डाउट हुआ मतलब यहाँ पे वो इस जगह के बंदे दूसरा बंदा एग्जाम दे रहा था ऐसा डाउट हुआ सदरिल परीक्षार्थी यह परीक्षार्थी सैयद कादरी हा आरोपी च नावावर यह परीक्षार्थी सैयद कादरी यह आरोपी के नाम पर परीक्षा देने साथी देने के लिए लिहून तो त्यागिरी करित अस्ताना लिखकर देन, मतलब एक की जगह दूसरे बंद नाम पर बैठ कर लिख कर तो मतलब कॉपी करित अस्ताना होने से मिलून आला वो मिला वो बंदा फाइंड आउट हुआ मिला महुन तकरार ने प्रस्तुति तकरार दे लिया है इसलिए एप्लीकेंट ने यह एप्ल, यह अप्लाई किया है यह एप्लीकेशन फाइल की है दी है वरिल गुणान्यास मतलब एज अब गुणान्यास मतलब ऑफेंस अनुसरण माजे पूर्वाधिकारी यानी आरोपी विरुद्ध निशाने क्रमांक 23 अन्वय यह ऑफेंस के अनुसार उसको फॉलो करके मेरे पूर्वाधिकारी इन्होंने आरोपी के अपोज में तेईस नंबर ट्वेंटी थ्री क्रमांक अनवय अकॉर्डिंग दोषारूप दोष को रख के उन्होंने मतलब रख के उन्होंने पर दोष उसको ऑफेंस डाल के उन्होंने आरोपी का स्वरूप आरोप का स्वरूप उनका ऑफेंस का स्वरूप समझा सम्झा समझाकर सांगितले सांगित ले। कहा अस्ता आरोपी ने त्याचे वरुल होने से आरोपी ने त्याचे वरुल उसके ऊपर आरोप नाकारुन उन्होंने डिनाई किया खटला पुढ़े चलाने की विनंती के रही खटला मतलब केस आगे चलाने की रिक्वेस्ट की निर्णय साथी उपस्थित जाले ले मुद्दे निर्णय के लिए जो उपस्थित जाले हुए मुद्दे मतलब इश्यूज निर्णय डिसीशंस के लिए रिजल्ट्स के लिए डिक्लेरेशन के लिए जो अवेलेबल जाले हुए मुद्दे और उसके निष्कर्ष उसके रिजल्ट्स निष्कर्ष कारण ममिंसा सहित मतलब उसके जो इविडेंसेस है, है मैं खाली प्रमाण नॉन्दविथ आए नीचे के अकॉर्डिंग रजिस्टर करवा रहा हूँ लिखवा रहा हूँ आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा इससे अगेन भी आपको और कोई भी सब्जेक्ट पे आपको वीडियोस चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना और इसको सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम भी मोटिवेट रहे ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स